अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी शिमला मिर्च पनीर। उसके लिए आपको चाहिए 250 ग्राम पनीर, दो टमाटर बारीक कटे हुए, तीन पोटी प्याज इस तरह बारीक काट लीजिए, दो डंडी कड़ी पत्ते इस तरह के, और चार हरे मिर्चें इसको बीच से फाड़ लीजिए ऐसे करके, और दो शिमला मिर्च, सजाने के लिए धनिया, आधा टीस्पून पिसा मिर्च, एक चुटकी गरम मसाला, टेस्ट के हिसाब से नमक। ये बघार के लिए चाहिए, ये है एक चुटकी ज़ीरा, एक चुटकी सौंफ, एक चुटकी राई और एक चुटकी काली वाली सरसों, और एक चुटकी खड़ा धनिया, एक चुटकी अजवाइन, एक चुटकी कलौंजी। और अब आपको हम पकाने का तरीका बताएंगे। अब हम दो चम्मच इसमें तेल डालेंगे। देखिए मेरा तेल हो चुका है, धुआं निकलने लगा है। अब आप इसमें कड़ी पत्ता और हरा मिर्च डाल देंगे, और उसके बाद जो बघार के लिए मसाला दिखाया था वो डाल दिया। अब उसके बाद आप प्याज डाल देंगे इसमें। देखिए आप धीरे धीरे करके हाथ से प्याज को चलाते रहिए। प्याज जब हो जाए और जब हल्की ब्राउन होने लगे देखिए मेरी प्याज ब्राउन हो रही है, थोड़ी और रह गई है, और हरा मिर्चा देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए अब मेरी प्याज हो चुकी है, अब आप इसमें टमाटर डालेंगे कटा हुआ। हल्के धीरे धीरे इसी तरह हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। जैसे आप ऑमलेट की तरह प्याज काटती हैं उसी तरह बारीक बारीक टमाटर काट लीजिएगा, जिसमें आसानी के साथ टमाटर निकल जाए। अब इसमें आप पिसा मिर्च डाल देंगी, आधा टीस्पून नमक डालेंगी अपने टेस्ट के हिसाब से, एक चुटकी गरम मसाला डालेंगी पिसा हुआ। अब इसको धीरे धीरे भूनती रहिए। अब इसमें आप साथ में ही शिमला मिर्च डाल देंगे। और आप शिमला मिर्च की जगह आलू भी डाल सकते हैं, अगर शिमला मिर्च नहीं डालना चाह रही हैं आप तो आप उसकी जगह आलू भी डाल सकते हैं। देखिए देखने में कितनी शानदार लाजवाब सब्जी लग रही है, ये इसकी ग्रेवी बनके तैयार हो रही है। देखिए अब आप इसमें एक कप पानी डाल देंगे, जब ये खोलने लगे तो इसको धीमी आँच से चढ़ा दीजिए, और जब टमाटर और शिमला मिर्च गल जाए। देखिए मेरा टमाटर हो चुका है और शिमला मिर्च भी हो चुकी है। बस अब इसमें अब आप पनीर डाल देंगे इसमें कटा हुआ। इस तरह पनीर हल्के हाथ से चलाती रहिए धीरे धीरे। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है पनीर। देखिए चटपटी सब्जी हमारी बस तैयार होने वाली है थोड़ी देर में। जितने भी पनीर हैं सारे पनीर आप ऐसे ही डाल दीजिए। बस आप दो तीन हाथ चलाकर बस डाल दीजिए। तो देखिए पनीर तैयार हो चुका है हमारा। अब इसमें आप हरा धनिया डाल दीजिएगा। अब ये देखिए, देखिए अब हमारी चटपटी शिमला मिर्च पनीर तैयार है। देखिए कितने देखने में कितनी अच्छी और लाजवाब लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।